पुलिस ने बीएनपी थाना अंतर्गत ग्राम सिया में पेट्रोल पंप को लूटने की साजिश बनाते हुए बदमाशों को धर दबोचा। वहीं एक बदमाश भागने में सफल हो गया, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बदमाश हथियार लेकर पेट्रोल पंप लूटने की फिराक में थे। पुलिस ने हथियार के साथ बदमाशों को पकड़ा। बीएनपी पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार ग्राम सिया में स्थित सिद्धि विनायक पेट्रोल पंप के पीछे कुछ संदिग्ध लोग किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना पुलिस को मुखबिर ने दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने पेट्रोल पंप के पीछे दीवार की आड़ में बैठे बदमाशों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। पुलिस ने घेराबंदी कर मिथुन महिपाल उर्फ जुगनू, दीपक देवपाल सभी निवासी टोंका कला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौका मिलते ही पप्पू वहां से फरार हो गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से देसी कट्टा, कट्टर पाना और चक्कू जब्त किया है। थाना पुलिस ने सफलता हासिल की, क्या है पूरा मामला? कल देर रात हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि मक्सी रोड पर कुछ बदमाश रोड रॉबरी करने के लिए और सिद्धिविनायक पंप पर लूट की करने की योजना बना रहे। उस सूचना पर से हमने हमारा फोर्स इकट्ठा किया और फोर्स इकट्ठा करके हम लोग मक्सी रोड पर दो टीमें बनाकर सिद्धिविनायक पंप पर पहुँचे। पंप के पीछे हमने देखा तो हमको वहाँ पर कुछ बदमाश बैठे हुए दिखाई दिए, जिनकी संख्या 5 थी और वो लोग पंप लूट करने की योजना बना रहे थे। वे हथियार सहित थे। उसके बाद हम पुलिस की दोनों पार्टियों ने बदमाशों के बैठे हुए स्थान पर दबिश दी और घेराबंदी कर हमने 4 बदमाशों को पकड़ा, जिनके पास से एक 12 बोर का देशी कट्टा, एक खटकेदार चाकू, टक कटिंग में काम आने वाला एक कटर पाना और एक लोहे की टांग, ये हथियार मिले। एक उनका साथी था 5वां पप्पू, जो कि वहाँ अंधेरा ज़्यादा होने से भाग गया। हमने वहाँ मौके से बदमाश महिपाल, दीपक, मिथुन और देपाल, ये 4 गंजर हैं, टोक कला डेरे के गंजर हैं, इन 4 को वहाँ से गिरफ्तार किया है। इसमें से दीपक जो है वो चिड़ावत का रहने वाला है, चिड़ावत डेरे का गंजर है। इन 4 गंजरों को हमने धारा 399, 400, 402 में गिरफ्तार किया है। इसमें इनके खिलाफ रिकॉर्ड भी हैं। और जो मिथुन गंजर है वह एक सूचीबद्ध बदमाश, इसके खिलाफ देवास एवं आसपास के कई जिलों में काफ़ी अपराध हैं। करीब अभी तक हमको 12 से 14 अपराध की सूची मिली है। सर, अभी इनका रिमांड लिया जाएगा जिससे और अन्य खुलासों की उम्मीद है पुलिस को? हाँ, हम इनका पुलिस रिमांड ले रहे हैं, तो जो भी देवास जिले में वारदात हुई है ट्रक कटिंग या वाहन चोरी संबंधी, उस संबंध में इनसे पूछताछ करेंगे। थैंक यू सर।